दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, जैसे आप अपने WhatsApp को ओपन कर रहे हो, आपके WhatsApp में लिख के आ रहा है दिस वर्जन ऑफ WhatsApp बिकम एब्सोल्यूट ऑन, आपको डेट लिख के आ रहा है गो टू प्ले स्टोर एंड डाउनलोड द लेटेस्ट वर्जन। तो आपको आपका जो WhatsApp है उसको अपडेट करने बोल रहा है, आपने अपने WhatsApp को अपडेट कर लिया उसके बाद भी आपका WhatsApp ओपन नहीं हो रहा और चल रहा नहीं है, तो आप किस तरह अपडेट कर सकते हो और जो भी एरर आ रहा है उसको किस तरह आप सॉल्व आउट कर सकते हो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब भी अपने WhatsApp का ओपन करते हो उसमें दो तीन प्रॉब्लम होती है, अगर वो दो तीन प्रॉब्लम अगर आप प्रॉपर नहीं करोगे तो आपका WhatsApp ओपन नहीं होगा। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको आ जाना प्ले स्टोर पे। ये प्ले स्टोर वाली स्कीम तो हर किसी को पता होगा, ट्रिक हर किसी को पता होगा, इसके बाद भी कुछ ट्रिक है जो आपको करना पड़ेगा, अगर आप उस ट्रिक को कर लेते हो तो आपका WhatsApp धनाधन चलेगा। तो जैसे मैं WhatsApp क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ आपको लिख के आ रहा अपडेट का ऑप्शन, तो अपडेट का ऑप्शन आपको उसको अपडेट कर लेना है। अपडेट आप इसको कर लेते हो और उसके बाद जैसे आप इसको अपडेट कर रहे हो, इसको अपडेट हो जाएगा तो आपको करना क्या है, तो आप देख सकते हो मैंने जिसको अपडेट करने डाले अपडेट हो चुका भी है, इंस्टॉल हो रहा है। इस तरीके से आपको अपडेट कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको आ जाना है प्ले स्टोर सेटिंग के ऑप्शन पर। आपके सेलफोन में सेटिंग पर क्लिक करते इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, अब आपको इसको स्क्रॉल अप कर लेना है और यहाँ से आपको चले जाना है ऐप्स एंड परमिशन पर। ऐप्स एंड परमिशन पर क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह इंटरफेस दिखेगा, अब आपको क्लिक करना है ऐप मैनेजर पे। बस थोड़े ही टाइम में आपका WhatsApp चालू हो जाएगा। इस पे आते जितने भी आपके सेलफोन में एप्लीकेशन सब आपके पास आ जाएंगे, आपको यहाँ स्क्रॉल अप कर देना है और आपको यहाँ WhatsApp पे क्लिक कर देना है। WhatsApp को सर्च करने के बाद WhatsApp पे क्लिक करते हैं, आपको यहाँ स्टोरेज का ऑप्शन दिखेगा, स्टोरेज के ऑप्शन में यहाँ क्लियर कैचे पे क्लिक कर देना है। क्लियर कैचे और उसके बाद भी ऑन नहीं हो रहा, आप यहाँ क्लियर डेटा भी क्लियर कर सकते हो। आपको बैक आ जाना है, सेटिंग में बैक आने के बाद आपको यहाँ स्क्रॉल अप करना है और आपको यहाँ सिस्टम मैनेजमेंट पे क्लिक करना है। सिस्टम मैनेजमेंट पे क्लिक करते आपको टाइम एंड डेट के सेटिंग पे चले जाना है और टाइम एंड डेट के सेटिंग में आपका अगर ये मैनुअल होगा तो आपको इसको ऑटोमेटिक कर देना है। ऑटोमेटिक करते ही जो भी आपका टाइम होगा डेट होगा ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको प्ले स्टोर पर जाना है और आपको अपने WhatsApp को ओपन कर लेना है। अभी आप देख सकते हो जो मेरा WhatsApp ऑन नहीं हो रहा था, मेरा WhatsApp ऑन हो चुका है। इस तरीके से अपने WhatsApp को ऑन कर सकते हो अपडेट करने के बाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, इस तरह लेटेस्ट वीडियो देखने के सबसे पहले।